सबसे मुश्किल काम, मतलब ये गल्फ में हर कंट्री में आप जाओगे तो मेडिकल करना पड़ता है, लेकिन जो कतर का मेडिकल है ना वो बहुत ही बारीकी से होता है। इसके लिए कुछ इख्तियार बहुत ज़रूरी होते हैं जो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले एहतियात ये है ना कि आपने मेडिकल से पहले, मेडिकल जाने से पहले बाहर एक मेडिकल करना, किसी भी प्राइवेट लेबॉरेटरी से मेडिकल करो कि आपको कोई अरकान या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आपका मेडिकल फेल हो सकते हैं। अगर हल्की फुल्की कोई सी बीमारी है तो सबसे पहले आप उसका इलाज करें और फिर दोबारा प्राइवेट मेडिकल करें और फिर जाके क्यूबीसी में या कतर मेडिकल सेंटर में जाके मेडिकल करें। ये पहला हो गया। नंबर दो, किसी किसी का कोई मरض नहीं होता है ना उसको कोई बीमारी होती है, लेकिन फिर भी उसका मेडिकल फेल हो जाता है। वो असल में बीमारी होती है लेकिन बंदे को पता नहीं होता। उसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये है ना कि जब आप मेडिकल के लिए जाओगे ना तो एक दो दिन पहले आप बाहर नहीं घूमो, जहाँ धूल होता है, धुआं होता है या मिट्टी होती है वहाँ नहीं घूमो, क्योंकि वो सीने में कोई धूल जाता है तो फिर इधर एक निशान आ जाता है। तो उसके लिए एहतियाती तदबीर ये है कि अगर आपका 2 दिन बाद मेडिकल है तो आप ज़्यादा बाहर नहीं घूमें जहाँ पे धूल होती है। और हाँ, अगर आप कहीं जा रहे हो, मतलब आप कराची या इस्लामाबाद आप दूर से जा रहे हो, तो उस दिन सफ़र ना करें, एक 2 दिन सफ़र करें और फिर एक दिन या 2 दिन उधर आराम करें, उसके बाद मेडिकल के लिए जाए। एक तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो हमारा तजुर्बा रहा है, सिगरेट तो बिल्कुल नहीं। सिगरेट अगर आपका मेडिकल होने वाला है तो कुछ दिन, 1 हफ्ता 10 दिन पहले आप सिगरेट पीना बंद करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जाने से पहले आप कम से कम 2-3 गिलास दूध पिए। दूध पीने से ये होता है कि अगर आप सिगरेट पीते हो या आपका इधर कोई घाव हो सीने में ना किसी और वजह से, तो वो फिर नज़र नहीं आता है एक्सरे में। लेकिन बेहतरीन यही है कि आप मेडिकल करें लेकिन फिर भी एहतियातन दूध पिया करें। जाने से पहले वहाँ मेडिकल सेंटर में जाने से पहले आप दूध पिया करें, कम से कम 2 गिलास, 1-2 घंटा, बल्कि उस दिन 2-3 गिलास पिया करें, सुबह से पीना शुरू करें, दूध अच्छी चीज़ है। ये तीन जो तदाबीर है या जो तीन मशवरे मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस पर अमल करें तो अगर आप में कोई बीमारी होगी तो ज़ाहिर है वो तो चुप नहीं सकती, लेकिन छोटी मोटी जो आपके सीने में दाग होगा या आपका कोई छोटा मोटा मसला होगा तो वो इससे हल हो जाएगा। बेहतरीन, फिर मैं आपको दोहराता हूँ, नंबर एक, बाहर नहीं घूमे मेडिकल से 2-3 दिन पहले आप बाहर नहीं घूमे। नंबर दो, आप ऐसे करें कि आप सिगरेट पीना बंद करें, सिगरेट बिल्कुल नहीं पिए 8-10 दिन। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप जाने से पहले दूध पिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक बार आपका मेडिकल फेल हो गया तो विद ऑटोमेटिक कैंसिल, फिर आपको दोबारा मेडिकल करना पड़ेगा, पैसे जमा करने पड़ेंगे, दोबारा वीजा जमा करना पड़ेगा, पैसे नुकसान होते हैं। जो 500 रियाल गवर्नमेंट ले लेते हैं ना वो वापस नहीं होते, उसने आपका मेडिकल कर दिया, चाहे आपका पास होगा या फेल हो गया, आपके पैसे गए। किसी किसी का मेडिकल तो करते हुए उसी वक्त आ जाए, 1-2 दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन कोई कोई लेट होता है। वो लेट इसलिए होता है कि उसमें कोई ना कोई चीज़ होती है जिसको वो लोग बार बार चेक करते हैं। समझ गया? 2-3 दिन, 3 दिन, कभी कभी 3-3 हफ्ते भी लगते हैं। कभी कभी आपको दोबारा भी बुलाते हैं, वो जो दोबारा बुलाते होते हैं ना उसके लिए आपने फिर लाजिमी दूध वाला जो मैंने देखा है वो करना है आपको। ये जो सीने में दाग होता है ये कोई बीमारी हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको या हुई है या होने वाली है। ये 3-4 चीजें थे, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और भी अगर आपने, हाँ ये बात मैं आपको बताऊँ, अगर आपको कोई बोले पैसे दे दो ये दे दे, ऐसे कोई चक्कर नहीं। कतर वीजा सेंटर में अगर आपको कोई बोले कि पैसे दे दे मैं पास करूंगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं, अपने पैसे नुकसान नहीं करो, अपना इलाज करें। वो जो पैसे उधर दे दो उसका अपना इलाज करें। अगर
फेल हो गया, जाके डॉक्टर को बोलो अपना टेस्ट करो कि आपकी बीमारी क्या थी, उसी बेसर पे जाके अपना इलाज करें, एक दो महीने के बाद दोबारा डेट ले लें, फिर मेडिकल करें, चलो ठीक हो जाए। ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती है कि जो यरखान होता है या वो सीने में दाग होता है, इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, ये ठीक हो जाती है, सही डॉक्टर के पास जाए अपना इलाज करे तो ये ठीक हो जाए। तो ये जेल से निकालें कि अगर आप पैसे देंगे तो आपका मेडिकल पास हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि मार्केट में हमने देखे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो घूमते फिरते हैं कि भाई इतने पैसे दे दो तो आपका ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, उसी पैसों से अपना इलाज। हाँ ये बात है, मेडिकल कभी कभी लेट होता है, कई कई तीन तीन हफ्ते, चार चार पंद्रह हफ्ते के बाद भी आ जाता है, वो पास हो जाता है।